हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा आप सबके साथ में, और आई एम श्योर कि आपको मेरे कमरे की बैकग्राउंड देख के समझ आ रहा होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। अगर आपको मेरे कमरे का बैकग्राउंड देख के नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको कुछ क्लू दे सकती हूँ कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त। मुझे भी नहीं पता था कि आई विल एंड अप इन हॉस्पिटल लाइक दिस। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था चाइना। मैं गई थी वहां पे किसी काम से, और मुझे वहां जाने से पहले ही एक्चुअली कफ एंड कोल्ड और थोड़ा सा गला मेरा खराब था, काफी दिन से ही खराब चल रहा था। हल्का फुल्का सीजन चेंज होता है तो फ्लू सिम्टम्स आ जाते हैं, तो मुझे भी था। और जब मैं चाइना से वापस आई तो नॉर्मल थी, बिल्कुल वही जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड चल रहा था वो मेरा चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे कोरोना वायरस के जितने भी सस्पेक्ट हैं, कहा जा रहा था कि उनको फीवर आएगा, फीवर एक मेन चीज थी कोरोना वायरस के लिए। तो तभी सारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो मेनली यही चेक कर रहे थे कि जो भी लोग आ रहे हैं चाइना से उनको फीवर तो नहीं है, बाकी चीजों को उतना ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो जब मैं भी वापस आई थी तो सिर्फ फीवर चेक किया गया था, तो फीवर नहीं था। मैं अपना नॉर्मल घर पे आई, जो अपनी रूटीन ड्यूटीज हैं वो कर रही थी, लेकिन कफ एंड कोल्ड ना जा नहीं रहा था काफी दिनों से। तो उसके बाद क्या हुआ, दवाइयां मैं लेती रही, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्टर्स चेंज करती रही मैं। और अभी क्या हुआ, कल एक शॉकिंग चीज हुई। कल ऑल ऑफ सडन मेरे बेटे को बहुत हाई फीवर आ गया, आहान को, मॉर्निंग में। एक्चुअली उसको परसों रात से ही फीवर था, जब वो सोया हुआ था तो हमने उसको पैनाडॉल, पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं, दे दिया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें पता चला कि उसको ज्यादा फीवर हो गया। तो ऑफ कोर्स बच्चे की बात आती है तो सबसे पहले भागते हैं, अपने आप को चाहे इग्नोर कर दें। तो मैं उसको लेके जब हॉस्पिटल आई यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं अपना भी दोबारा से एक बार फॉलो अप ले लेती हूँ जिस हॉस्पिटल में अभी मैं हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी हॉस्पिटल का। तो मैंने यहाँ आके फॉलो अप लिया अपना भी, तो डॉक्टर ने मेरी दवाई जो है वो आगे एक्सटेंड कर दी। और उसके बाद जब डॉक्टर को पता चला कि मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ है मेरा बेटा, और उसको वो डॉक्टर जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं तो उसके पास लेके गए हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा कि उसको क्या हुआ है। तो मैंने कहा उसको फीवर हुआ है, तो वो थोड़े से अलर्ट हो गए उस बात से। उसके बाद मैं जब नीचे जहां मेरे बेटे का चेकअप हो रहा था, मैं वहां पे गई पता करने के लिए। तो उन्होंने जब पूरी हिस्ट्री ली मेरे बेटे की कि उसने क्या खाया, क्या पिया, क्यों फीवर आ रहा है, तो बातों बातों में मैंने उनको ये बात बताई कि मैं लास्ट वीक ही अभी चाइना में थी और चाइना से ऐसे ऐसे आई थी, मेरा भी गला खराब चल रहा है, मुझे भी कफ है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेरे जानने वाले थे। तो उसी वक्त वो जो है एक रेड फ्लैग, रेड अलर्ट समझ लो आप, जैसे सब एकदम चकित रह गए कि मैं चाइना से आई हूं, मेरे बेटे को फीवर है। तो इस चक्कर में उन्होंने इमीडिएटली जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया कि बेटा चाइना नहीं गया है, लेकिन उसकी मदर ने अभी चाइना जो है ट्रेवल किया है कुछ टाइम पहले, किसी काम से वो चाइना गई हुई थी। तो चाइना से आने के बाद शायद हो सकता है कि सिम्टम्स कोई मदर से बच्चे को गए हों, और जहां एक माँ के लिए बच्चे की बात आती है तो वो किसी हद तक भी जा सकती है। तो जब डॉक्टर ने ये सारी हिस्ट्री मुझसे ली, उसके बाद दो तीन चार डिपार्टमेंट के लोग मुझे मिलने के लिए इमीडिएटली आए। मास्क वास उन्होंने डाले हुए थे, पूरा कॉस्ट्यूम्स डाले हुए थे जो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल्स मेजर लेते हैं। तो उन्होंने वहां से आहान को सबसे पहले मुझसे सेपरेट किया, मेरे हस्बैंड को मुझसे सेपरेट किया, और मुझे एक सेमी आइसोलेशन रूम में डाल दिया। सेमी आइसोलेशन रूम, उस रूम में बेसिकली कोई नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसमें कोई ना कोई आ जा सकता था, तो वो सेमी आइसोलेशन रूम था, उसमें मुझे बिठाया गया। और 15-20 मिनट वेट करने के बाद कोई एक स्टाफ मेरे से आके कहता है कि आपको हमें अभी इसी वक्त आपको हमें आइसोलेशन रूम में डालना पड़ेगा, हम आपको घर जाने नहीं दे सकते। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर से ये सोच के निकली थी कि मैं अपने बेटे का चेकअप कराने जा रही हूं, और मैं घर से चाय का कप भी नहीं पिया था। तो आप समझते हैं, एज अ मदर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी रहती हैं, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो मैं एकदम शॉक में आ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे कोरोना वायरस है। तो मैं ये टेंशन में इतने में पड़ गई उस टाइम पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने ये सस्पेक्ट नहीं, सोचा ही नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में ये आया कि कहीं भगवान ना करे कहीं मेरे बच्चे को कुछ ट्रांसफर हो तो नहीं गया, मुझे कुछ हो जाए, बहुत
इतनी कोई वो बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरी फैमिली को कुछ ना हो, क्योंकि वो मेरे साथ पिछले 8 दिन से रह रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको इन्फॉर्म किया, जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए। करने के बाद उसी वक्त ही विद इन मिनट से सबको मुझसे सेपरेट करके किसी से बातचीत नहीं करने दी। एंड उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्सेस मिलेगा ईमेल्स का या किस तरह रूम में मेरे को रखेंगे। तो वो सारे ख्याल मेरे मन में एकदम से एक के बाद एक के मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स हर जो कंट्री है अपने आप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली सबसे सेपरेट किया, जो डॉक्टर ऑलरेडी मेरे बेटे के साथ था वो भी सेपरेट हो गए, सब मेरे से सेपरेट होके मुझे कमरे में बिठा दिया गया। बस मुझे मेरा फोन था मेरे पास, तो मैंने जो भी उस टाइम पे विद इन जो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मैं जिसको भी फोन कर पाई, मैसेज कर पाई, और मैंने ज्यादा इसको पब्लिक नहीं बनाया। और मैंने सोचा था मैं इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ लर्निंग्स हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बन रही है, मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों। तो वो सब होने के बाद में उन्होंने मुझे वेट कराया एंड मेरे हस्बैंड चले गए घर बेटे को लेकर। उन्होंने बोला अभी इसके चेकअप की जरूरत नहीं है, बिकॉज बच्चा और फैमिली कुछ चाइना नहीं गए हैं फिलहाल, पहले मदर का कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। तो मुझे कल, आप मानेंगे नहीं, इस कमरे में जिसमें मैं बैठी हूं, ये कमरा पूरा लॉक्ड है, सब खिड़कियां लॉक्ड है, मैं कोई खिड़की नहीं खोल सकती। जो इसके अंदर वेंट, जो हवा आ रही है इस वेंट से, वो भी स्पेशल हवा आती है और कहीं और निकलती है, जो कि नॉर्मल एयर में सर्कुलेट नहीं होती। मुझे पूरा नहीं पता जो मुझे एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज की एक्सप्लेनेशन देके ही आपको बिठाया जाता है। तो हर चीज मुझे कमरे की एक्सप्लेन की गई जब वो मुझे अंदर लेकर आए इस कमरे में, कि विंडोज नहीं खुलेंगे, ये जो बाहर डोर है, ये जो आपको डोर दिख रहा है जिसमें शीशा है, ये लॉक्ड रहेगा, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, आपकी फैमिली आपसे मिल नहीं सकती, तो आप इसी कमरे में ही रहोगे जब तक आपके सारे टेस्ट नहीं हो जाते। मैं इतना डर गई उस वक्त। और लाते ही मुझे यहाँ पे सबसे पहले मेरे नाक में दो लंबे लंबे स्टिक्स कोई होते हैं, तो उसके आगे कुछ लगा होता है, तो नाक के अंदर से उसको ऊपर तक लगाकर, मतलब इतनी जोर से दर्द हुआ यार, बहुत ज्यादा। तो दो सैंपल्स मेरे नाक से लिए गए पहले, फिर दो सैंपल मेरे थ्रोट के अंदर उसी स्टिक को डाल के, दो सैंपल्स गले से लिए गए। आंखों में से पानी आ रहा था, आंखें लाल हो गई थी उस टाइम पे जब ये टेस्ट किए गए। तो ये चार टेस्ट भेजे गए, नॉर्मल कोरोना वायरस जो होता है, मुझे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो उसका रिजल्ट जो है हॉस्पिटल की तरफ से जल्दी आ जाता है, जो कि होपफुली मुझे पता चला कुछ घंटों के बाद में कि वो नेगेटिव था, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन एक कोरोना वायरस नोवल करके, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्ट है जिसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टेस्ट मेरा ले लिया गया और उस टेस्ट को आने में अभी टाइम बाकी है। तो कल की जर्नी मेरी जो यहाँ इस कमरे में रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब इंसान सोच के घर से नहीं निकलता ना कि उसको कुछ है, और एकदम से उसको इस तरह से रख दिया जाता है, ना मेरे पास कपड़े थे, ना मेरी अमेनिटीज थी, ना कोई सामान था, कुछ नहीं था, फोन का चार्जर तक नहीं था मेरे पास, और किसी का मेरे कमरे में आके मुझे मिलना अलाउड नहीं है, और जो भी स्टाफ बाहर से भी आ रहा है प्रॉपरली अपना कॉस्ट्यूम डाल के आ रहे हैं, पूरा मास्क लगा के, आंखों को कवर करके, हाथों को कवर करके, पूरा एक ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम है वो। हर बार जब वो अंदर आते हैं तो वो नए पहनते हैं, और जब बाहर जाते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, जब दोबारा आते हैं तो पहनते हैं। तो इस तरह कल पूरा दिन मैंने, मतलब दीवारें देखते हुए कल मैंने ये सारा जो है टाइम गुजारा यहां इस कमरे में, ये सोचते हुए टेंशन में कि क्या होगा, क्योंकि ये भी नहीं पता कि इसका क्या क्या टेस्ट और हैं, क्या क्या नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी जो बंदे के ऊपर होती है ना, वो एक स्ट्रेस और टेंशन से मैं, मतलब इतना ज्यादा मैं कल परेशान रही पूरा दिन। और फिर मन में आ रहा था कि आप लोगों से जुड़ी हुई हूं, लोगों को पता होना चाहिए कि ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कई चीजों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती और किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, उस चीज को सोचते हुए मैंने थोड़ा सा आराम से वीडियो बनाई आज। अभी मैं सो के उठी हूँ एक्चुअली, अभी मॉर्निंग हो गई है। कल का पूरा दिन तो मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब था, अकेलापन, और बस सोचते सोचते परेशानी में, टेंशन में, एकदम से बच्चा मेरा बीमार है, वो घर पे है, मैं उसको नहीं देख सकती, हस्बैंड से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कल मैं पूरा टाइम। तो जैसे तैसे टाइम गुजरा कल का, कल रात को, और रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। डॉक्टर को मैंने बोला मेरी दवाइयों के साथ में आप मुझे कुछ नींद वींद की गोली भी दे दो ताकि मैं सो जाऊं। पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने मुझे नींद की गोली दे दी,
जो अलाउड थी, तो चलो उससे मुझे हल्की फुल्की नींद आई। फिर भी आप मानेंगे 10 से 12 बार मेरी नींद खुली, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। और ये प्रोटोकॉल होता है कभी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि दवाइयाँ वाइयाँ तो देते हैं जो भी जेनरिक, जो जैसे मेरी प्रॉब्लम चल रही है खांसी वगैरह की, तो उसके लिए ये सुइयाँ वुइयाँ लगा देते हैं ना, तो उसको देख के और ज़्यादा घबराहट होती है। और हॉस्पिटल्स आर नॉट द बेस्ट प्लेस, चाहे 5-स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स लगते ही नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल जैसे होटल्स में होती है वैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, A1 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, बट हॉस्पिटल्स आर नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन। चाहे कुछ भी आपको अंदर बैठे फैसिलिटेट किया जा रहा है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, बट इट इज वेरी पेनफुल टू बी इन अ हॉस्पिटल, एंड स्पेशली अलोन व्हेन पीपल कैन नॉट टॉक टू यू, मीट यू, एंड ऑफकोर्स घर वालों के भी काम रहते हैं, वो सारा टाइम आपके साथ फोन पे भी नहीं रह सकते। तो अभी कल मेरे उन टेस्ट के अलावा मेरे ब्लड टेस्ट भी लिए गए हैं, तो यहाँ से मेरा ब्लड लिया है, तो ऑलरेडी आई थिंक 3 सिरिंज भर के ब्लड का लिया है। और मेरी वेन्स बहुत पतली हैं, तो उनको वेन्स नहीं मिल रही थी, तो सब जगह वो वेन्स ढूंढ ढूंढ के उन्होंने फाइनली एक जगह पे वेन ढूंढी, और वेन ढूंढने के बाद उन्होंने ब्लड निकाला। तो नर्स भी हंस रहा था, कह रहा था कि आप तो छोटे बच्चे की तरह, आपके वेन्स हैं जैसे 5 साल के बच्चे के वेन्स होते हैं, मेरे वेन्स बहुत पतले हैं। तो बस यही सब चल रहा है। अभी आज एक नया दिन चढ़ा है, सेकेंड डे है आज। एक्चुअली जो मेन मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट का रिजल्ट है वो शाम तक आ जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल होगा वो फॉलो होगा। जहां तक मेरी गट फीलिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक प्रिकॉशन है। एंड आई एम श्योर अभी बहुत सारी कंट्रीज में जब से ये फीवर वाला पार्ट निकाला गया है, तो कोई भी इंसान जो चाइना से आ रहा है, अगर उनको नॉर्मल कफ भी हो रही है, तो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कोई उनको कोरोना वायरस सस्पेक्ट माना जा रहा है और उनको एडमिट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट यही चाहती है, ऑफ कोर्स दे वांट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, दे वांट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, दे वांट टू प्रोटेक्ट एवरीवन अराउंड अस, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आई एम कम्प्लीटली विद देम, एंड जो भी टेस्ट होंगे मैं पूरा कॉपरेट कॉपरेट करूंगी उनको। लेकिन बस मैं अपने मन की आपको बताना चाहती थी कि कैसा फील होता है जब एकदम से आपको पता नहीं होता और इस तरह से आपको अलग कर दिया जाता है। अभी तो शुक्र है कि मैं फ्लाइट पे नहीं थी, कहीं बाहर नहीं थी। अगर किसी बाहर उन्होंने ये सिम्टम्स मेरे नोट किए होते और वहां पे मुझे हॉस्पिटल में रख लिया होता, तो मेरी फैमिली का यहाँ क्या हाल हो रहा था। यहां से एटलीस्ट वो लोग आके मुझे उस शीशे में से देख गए हैं कल भी और आज भी, मेरे हस्बैंड। लेकिन उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते, मैं दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती। तो चलिए बस ये था ममता सचदेवा का एक कोरोना वायरस का और सच के क्या चल रहा है अभी। और मैं एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, बट एक्चुअली मेरे फोन के ऊपर एक दो फोन या मैसेजेस आए जो लोग मुझे जानते हैं पूछने के लिए, तो मैं बार बार हाइड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो मुझे लगा कुछ गलत नहीं है, तो लोगों को पता होना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर आज शाम को जो मेरा टेस्ट आएगा, विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड योर प्रेयर्स, इज गोना बी नेगेटिव, एवरीथिंग इज गोना बी ओके, एंड देन आई एम गोना बी आउट। और अभी मुझे आज शाम तक रखेंगे, कल तक रखेंगे, वो मुझे अभी कुछ नहीं पता है। लेकिन प्लीज विश मी गुड लक, एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, और आप सबसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द। अच्छी अच्छी वीडियोज अभी मैंने करनी है, अभी यार दुनिया में बड़े काम करने हैं, मैंने बड़ी लिस्ट बना रखी है मैंने कि मैंने यहाँ जाना है, ये करना है, ये वीडियोज बनानी है आपके लिए, ये करना है, एक गेट टुगेदर करनी है मेरे सारे फॉलोअर्स के साथ में। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में, सो लाइफ डजंट एंड हियर। या थोड़ा लो फील हो रहा था अभी, आई थिंक वीडियो बनाते बनाते मेरा मूड भी थोड़ा सा ठीक हो गया अभी। तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मेरा दवाई लेने का टाइम हो रहा है, मेरी दवाई पीछे पड़ी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ।